मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल। ये एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन TGT लेवल 2 का है और ये हेल्ड कब किया गया था, 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था इसका और सेट ए के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटों का ये एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में आज हम करेंगे हरियाणा GK का ऑप्शन है, फिजिकल एजुकेशन का हमने कर चुके हैं। तो इसमें फिजिकल एजुकेशन करने के बाद अब हम हरियाणा GK करेंगे क्योंकि इसमें हरियाणा GK स्टेट में 10 नंबर की आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो हरियाणा GK का पहला क्वेश्चन है, गिर एवं संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिंजौर। पिंजौर कहाँ पड़ता है भाई? पिंजौर चंडीगढ़ के साथ में लगता है और चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की राजधानी है। अगली बात हम करते हैं, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में संपन्न हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता। देखिए एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुए थे, जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, ठीक है। और इंडोनेशिया में होने के बाद अब तो 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय का क्या नाम था, मनजीत सिंह। क्या नाम था, मनजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 82 का है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, हरियाणा जो राज्य है का क्षेत्रफल जो पूर्व मध्यकाल में विधानकों के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र था हरियाणा का मध्यकाल में जो विधानकों के अंतर्गत में आता था। तो रेवाड़ी और इसका उत्तर रहेगा, उत्तर आंसर नंबर एक, रेवाड़ी ऐसा क्षेत्र था जो मध्यकाल में विधानकों के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, इसका आंसर तो रेवाड़ी रहेगा। जैसे ने देखा पानीपत को क्या कहा जाता, बुनकरों का शहर कहा जाता तथा युद्धों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम इसी के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता, हरियाणा की पहली विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में है, इसे धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। तथा अब बात करते हैं अम्बाड़ा हरियाणा का एक प्रमुख जिला है। अगला क्वेश्चन हमारा 84 का है, लाला मुरलीधर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार कीजिए। इन्होंने क्या कि दो कथन दे रखे, क्वेश्चन ए कथन बी। कथन ए में इन्होंने दिया है हरियाणा GK में TGT लेवल 2 फिजिकल एजुकेशन में कि अम्बाड़ा, जिन्होंने अम्बाड़ा में वकालत की, क्वेश्चन 84 में है, उन्होंने अम्बाड़ा में वकालत शुरू की। तथा दूसरा इसी का भाग है, उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। ये क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, जो लाला मुरलीधर थे उसके बारे में बताना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन इसका आंसर दे रखा है ए, केवल ए सत्य है। क्वेश्चन बी सत्य है, केवल ना तो सत्य है न भी सत्य है। इसका आंसर होगा हमारा 4, दोनों ही। अम्बाड़ा में उन्होंने वकालत शुरू की लाला मुरलीधर ने और उन्हें मुंबई में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन हमारा, वहाबी नेता किसे माना जाता, 19वीं शताब्दी के दौरान राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए, मोहम्मद जफर। आंसर क्या रहेगा, मोहम्मद जफर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद जफर किसके नेता थे, तो इसका क्वेश्चन आएगा वहाबी के नेता थे जो 19वीं शताब्दी में देशद्रोह के आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 86 का, जो क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शिक्षा के जिस सभी संस्थाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जैसे हम बात करते हैं IIIT IIIT की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए IIIT की स्थापना, इसका आंसर होगा सोनीपत में की गई है, ठीक है। अगला बात है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ है, ये देश की प्रमुख संस्थाओं में से एक है। IIT और IIM हरियाणा में IIM की स्थापना कहाँ की गई है, शुरुआती दिनों में IIM रोहतक में स्थापित की गई थी। रोहतक में कहाँ की गई थी, MDU जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU के कैंपस में स्थापित की गई थी। गेट नंबर MDU का जो गेट नंबर 1 के ऊपर है, से थोड़ा सा आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स
और इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने IIM की कुछ समय के लिए स्थापित की गई थी। और अब बात करते हैं जो रोहतक को क्या कहता है, एजुकेशन हब भी कहा जाता है। रोहतक एक ऐसा ज़िला है जिसकी अन्य राज्य तथा केंद्र शासित जो राज्य हैं उनसे सीमा नहीं लगती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इसी का, NID की स्थापना कहाँ है। NID की स्थापना कुरुक्षेत्रा में है। NID कुरुक्षेत्रा में है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, धर्मनगरी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का क्या था, पहला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का क्या नाम था, कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा, NIFT की स्थापना कहाँ की गई। NIFT की स्थापना पंचकुला में की गई। पंचकुला का अब इससे पहले क्वेश्चन आया था पंचकुला से, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो भी पंचकुला में ही है। ये था हमारा 86 का क्वेश्चन, हरियाणा जी के फिजिकल एजुकेशन लेवल 2। अगला क्वेश्चन हमारा, झज्जर जिले के में वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थापित हैं। कितने झज्जर में भिंडावास है, झज्जर में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, झज्जर में 2 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला है, तो महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला, इसका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसमें कम सबसे कम शहरी जनसंख्या है। अगला हम बात करते हैं KMP, जो KMP है, KMP का कुंडली मानेसर और पलवल का जो हाईवे है इसको शहर के चौकुरते से जोड़ा गया है, और शहर में अंदर जाने की व्यवस्था नहीं, बाहर के बाहर वैसे जाता है और इस शहरों को जोड़ा जाता है। अच्छा, यह वेस्टर्न पेरिकल्स एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्यथा इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम वेस्टर्न प्रीफेरल्स एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है, KMP एक्सप्रेसवे के मार्ग में 5 नए शहरों को विकास किया जाएगा। देखिए, KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों के विकास भी किए जाएंगे। दोनों कथन इसके सत्य हैं। ये हरियाणा जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य में कितनी तहसीलें हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था अस्टर 2018 के अंदर डिपार्ट फिजिकल एजुकेशन लेवल 2 में, तो कितनी तहसीलें हैं, 93 तहसीलें हैं। इसका आंसर हमारा जगह 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगर हम हरियाणा के मंडल्स की बात करते हैं तो हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा कुल, हरियाणा में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारे 22 है। कितने डिस्ट्रिक्ट के 22 हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। हरियाणा का 21वां जो 22वां जिला कौन सा होना, चरखी दादरी। ये थे हरियाणा जीके के फिजिकल एजुकेशन लेवल 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और ये जो हमारा एग्ज़ाम था फिजिकल एजुकेशन का, ये एग्ज़ाम हमारा तो 2018 का फिजिकल एजुकेशन का लेवल 2 का एग्ज़ाम था। अगर कोई किसी साथी को कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।